नमस्कार, हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपीज़ में आज मैं आप लोगों के साथ बिटर गार्ड यानी कि करेले से बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्दी ऐसा एक स्नैक्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही कुरकुरा ऐसा ये स्नैक्स बनकर तैयार हो जाता है। आप इसे करेले से बना सकते हैं। करेला जो है इसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन इसका टेस्ट जो है सभी को पसंद नहीं आता है। बट अगर करेले को आप इस तरीके से बनाएंगे तो गारंटी के साथ मैं आपको बोलती हूँ फ्रेंड्स, आपके घर में बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग सभी इस स्नैक्स को खाना पसंद करेंगे और पता भी नहीं चलेगा कि आपने इस स्नैक्स को करेले से बनाया है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 6-7 करेले ले लिए हैं, मीडियम साइज़ के करेले हैं। इसे मैंने पानी से एक दो बार अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब जो है इसे हमें सेंटर से इस तरह से काटना है और इसके अंदर ये जो बीजे होते हैं इसे हमें इसमें से हटा देना है। तो सभी बीजों को मैं इस करेले में से हटा दूंगी। अब जो है इसे आपको लंबा लंबा काटना है और इसके पतले पतले इस तरह के आपको टुकड़े काट लेने हैं। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है करेले को काटने का। इसी तरीके से बाकी भी जो करेले हैं उसे भी मैं बारीक बारीक टुकड़ों में काट लूँगी। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो करेले हैं इसे मैंने काट लिया है और आपको भी जो है इसी तरह से इसे पतला पतला ही काटना है। अगर आप इसे ज़्यादा ठीक रखेंगे तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे, तो इसलिए इसे आपको थीन ही काटना है इस तरह से। अब जो है मैं इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसमें पानी डालकर इसे एक दो बार अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं इसमें से जो पानी है वो सारा ही मैंने स्ट्रेन कर लिया है। अब हमें इसमें डालना है नमक। आधा चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक डालने से क्या होगा फ्रेंड्स, करेले का जो कड़वा स्वाद है वो नमक डालने से निकल जाता है। तो इसलिए हमें इसे नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हमें इसे करीब 10 मिनट के लिए इस तरह से एक ढक्कन ढककर रेस्ट करने देना है। तो आफ्टर 10 मिनट्स, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, ये जो करेला है इसमें हमने नमक डाला था, तो नमक का जो पानी है उसे हमें इस करेले में से इस तरह से निचोड़कर निकाल लेना है। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इस करेले में नमक का थोड़ा थोड़ा पानी होता है, तो इसे हमें पूरी तरह से इस तरह से निचोड़कर निकाल लेना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप इस तरह से करेले में से नमक के पानी को अच्छी तरह से निचोड़कर नहीं निकालते हैं तो करेला जो है वो क्रिस्पी नहीं बनेगा। आप देख सकते हैं इतना ये जो है नमक का पानी इसमें से निकला है। अब हमें इसमें डालना है सूखे मसाले। तो सूखे मसालों में सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी मिर्च पाउडर, देन गरम मसाला पाउडर, देन चाट मसाला। अगर आप चाहो तो इसमें आमचूर पाउडर या लेमन जूस भी इसमें डाल सकते हैं अगर आपके घर में चाट मसाला अवेलेबल नहीं है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, देन यहाँ पर मैंने लिया है धनिया पाउडर, और नेक्स्ट जो है इसमें हमें डालना है जीरा पाउडर। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ आधा बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, देन इसमें मैं डाल दूँगी आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर, आधा बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर। नमक हमें इसमें बहुत ही हिसाब से डालना है क्योंकि ऑलरेडी हमने करेले में नमक डाला है, तो थोड़ा सा ही मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालना है अदरवाइज़ ये बहुत ही नमकीन हो जाएगा। देन हमें डालना है आधा बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और लास्ट में आधा बड़ा चम्मच जीरा पाउडर। तो ये जो सूखे मसाले हैं हमने इसमें डाल दिए हैं। अब जो है हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि ये जो सारे सूखे मसाले हैं इसमें अच्छी तरह से कोट हो जाए। अब हमें इसमें डालना है 2 बड़े चम्मच चावल का आटा। तो यहाँ पर जो है हम थोड़ा थोड़ा चावल का आटा डालेंगे। मैंने यहाँ पर पहले 2 बड़े चम्मच भर के चावल का आटा डाला है। अगर ज़रूरत होगी तो मैं इसमें और 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा डाल दूँगी, तो मुझे यहाँ पर ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है, तो इसीलिए मैं इसमें अब और ज़्यादा चावल का आटा ऐड नहीं करूँगी। ये एकदम परफेक्ट मिश्रण बनकर तैयार है। हमें इसी तरह का मिश्रण चाहिए होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट प्रोसेस की ओर। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में तेल ले लिया है और तेल जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है।
और गैस की फ्लेम लो टू मीडियम पर ही हमें रखना है। और करे लेके इन टुकड़ों को आपको इस तरह से एक एक करके तेल में डालना है। बहुत ही केयरफुली आपको इन्हें तेल में डालना है। और जब ये करेले के जो टुकड़े हैं इसकी एक साइड अच्छी तरह से पक जाए उसके बाद ही आपको इन्हें इस तरह से हल्का सा पलट देना है। बहुत सारे लोगों को करेले का स्वाद बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है फ्रेंड्स, लेकिन करेले में प्रचुर मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन ए, विटामिन सी का बहुत ही अच्छा स्रोत पाया जाता है। इसके अलावा पालक और ब्रोकली से भी दुगना इसमें कैल्शियम पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से करेला भरपूर होता है। इसके अलावा करेला खाने से हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है, जिससे हार्ट डिसीज़ या जो हार्ट स्ट्रोक की जो समस्या है उसकी रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इम्यून सिस्टम को ये मजबूत बनाता है, श्वसन प्रणाली को हेल्दी बनाता है। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जिसके कारण स्किन भी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहती है। तो यहाँ पर जो है ये जो करेले के टुकड़े हैं ये बहुत ही अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुके हैं। मैं इन्हें इस तरह से एक प्लेट में टिश्यू पेपर लेकर इसमें ट्रांसफ़र कर लूँगी। इसी तरह से बाकी भी जो करेले के टुकड़े हैं उन्हें हमें तलकर निकाल लेना है। करेला जो है फ्रेंड्स, जिन्हें डायबिटीज़ है, डायबिटिक पेशेंट्स भी करेला ज़रूर खाएँ। करेले में एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। शुगर पेशेंट्स जो है वो अगर करेले का सेवन करते हैं तो उनके ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने में जो है ये करेला बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं ये जो करेला है इसे मैंने अच्छी तरह से तेल में तल लिया है और ये बहुत ही अच्छा क्रिस्पी हो चुका है। इसे भी मैं इसी तरह से प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। बाकी भी ये जो करेले के टुकड़े हैं हमें इसी तरह से तेल में तल कर निकाल लेना है। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची ये करेले से हमने स्नैक्स बनाकर रेडी किया है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और मैंने आपको करेले के हेल्थ बेनिफिट्स भी बताए हैं, तो आप इस तरह से करेले को ज़रूर बनाएं। आप बस इसकी आवाज़ सुनिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनते हैं ये। आप इन्हें घर पर ज़रूर बनाएं और आपके घर में बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग सभी को इसे खाने के लिए दें। करेले से बनाया हुआ ये स्नैक्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। आपके घर में अगर किसी को करेला पसंद नहीं आता है तो आप इसे उन्हें ज़रूर दें। मैं पूरी गारंटी के साथ बोल रही हूँ, आपके घर में सभी इस करेले से बनाए हुए स्नैक्स को बहुत ही इंटरेस्ट से खाएँगे।